चलिए आज एक और नए स्टूडेंट से मिलते हैं। नाम है अभिषेक। अभिषेक दिल्ली से हैं और अभिषेक ने भोपाल आके क्लासरूम स्टडी की थी और इनको एनआईटी मैनेट भोपाल अलॉट हुआ। तो सबसे पहले मैनेट भोपाल के लिए अभिषेक आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे मतलब आपका और फैमिली मेंबर्स का इतना सपोर्ट रहा है कि इनके बिना तो हो ही नहीं पाता। मेरे स्पेशली मैं अपने मामा जी को थैंक यू कहना चाहूंगा, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इस चीज के लिए। बिल्कुल सही बात है। मैं अभिषेक से अभिषेक की सक्सेस जर्नी जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मैंने इसे पूछा ये रूम कैसा है, तो अभिषेक ने अपने उस रूम से आज इंटरव्यू दे रहा है जिस रूम में वो बच्चों को पढ़ाता भी है। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होने की वजह से और थोड़ा सा इसको वो था, तो इसने बहुत मेहनत करके ये पढ़ाई की, बच्चों को आज भी ट्यूशन पढ़ाता है। तो अभिषेक मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जो लाइफ की जर्नी है, सक्सेस जर्नी, वो क्या है? क्योंकि कई लोग आर्थिक कंडीशन मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से रुक जाते हैं, पर आपने उस चीज को अपना स्ट्रगल नहीं मतलब बीच में नहीं आने दिया, तो आज आपके पास एक अच्छा कॉलेज है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी सक्सेस जर्नी डिटेल में बताएं। सर, मैं जब 9th क्लास में था तो 10th क्लास के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता था और मैंने बहुत पहले से पढ़ाना शुरू कर दिया था क्योंकि घर संभालना था और ये सब, और मामा जी का सपोर्ट तो शुरू से ही रहा है हमारी फैमिली में। ओके, तो मैं 10th तक तो अच्छी थी मेरी मैथ्स, तो मैं 10th तक ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ा देता था। लेकिन मैं जब 11th क्लास में हुआ तो पैसों को थोड़ा मद्देनजर रखते हुए मैंने सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लिया था। तो वो चीज़ मुझे अभी तक खलती है कि मुझे उस टाइम मैथ्स और कोई भी चीज़, फिजिक्स केमिस्ट्री तो मुझे अभी भी नहीं आती उतनी अच्छे से, मतलब मेरे को कुछ अच्छे से नहीं आया। मैं उधर गया, टाइम पास हुआ, टीचर्स ने कुछ नहीं पढ़ाया, तो मुझे मतलब फील होता था कि मैं 11th 12th को भी पढ़ाऊँ कभी, लेकिन मतलब वो मेरे को आता ही नहीं था और मैं उतना टाइम दे नहीं पाया कि स्पेशली सीख पाऊं। लेकिन सर वो भोपाल आके हुआ सक्सेसफुल और अब मैं 11th 12th को भी पढ़ा रहा हूँ मैं अच्छे से। चलो ये बहुत अच्छी बात है। तो अभिषेक ये देखो कितनी इम्पोर्टेंट बात आपने बोली कि आपने 11th 12th में अच्छे से बाई चांस जो भी रीजन रहे आपकी अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई, स्पेशली मैथ्स भी नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री भी नहीं, और आज आप ये पढ़ा पा रहे हो क्योंकि आज आपने उस लेवल पे अपने आप को तैयार कर लिया कि अब आपको 11th 12th को पढ़ाने से भी डर नहीं लगता। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने ये सब कैसे किया, क्योंकि कई बच्चे जिनका कि बैकग्राउंड मैथ्स नहीं होता या जिनको मैथ्स से डर लगता है, उनके लिए क्या मैसेज होगा? क्योंकि आपका जब आए थे मुझे अच्छे से याद है कि मैथ्स, आप भले ही मैथ्स बैकग्राउंड के थे पर मैथ्स ऐसा नहीं था कि मैथ्स बहुत आता है, कितने अच्छे से लर्न किया। और सबसे बड़ी बात आज आप 11th 12th को पढ़ा रहे हो, तो जिन बच्चों को मैथ्स से फेयर होता है या जो कई बार बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? आपने अपने आप को कैसे तैयार किया? मतलब सर 10th तक तो मुझे ठीक था मैथ, उसी बेसिस पे मैंने एक 2019 का भी पेपर दिया था, 2019 का भी पेपर दिया था, तो उसमें मुझसे जितना बना उतना मैंने किया, लेकिन उसमें मेरा कहीं सिलेक्शन हुआ नहीं था, मतलब मेरे को पता भी नहीं था, बस फॉर्म भर दिया था ऐसे ही। फिर हम मतलब क्या, मेरे को इंटीग्रेशन तो 11th 12th में ऐसा मानो कि मैं छोड़ के ही गया था, मुझे इतना मुश्किल लगता था, मुझे लगता था इंटीग्रेशन तो मुझे आ ही नहीं सकती। फिर जब इंटीग्रेशन इम्पिटस में शुरू हुआ तो भी मेरा रैंक एक बार स्कोर बहुत डाउन आने लगा, तो मेरे को लगा अब इंटीग्रेशन शुरू हो गई है तो बस अब तेरा स्कोर तो गया, अब तू नहीं कर सकता, अभी तक जितनी रैंक आ रही थी अब तो तेरी गई। तो हुआ शुरू है, फिर मैं प्रतीक सर के पास गया, तो प्रतीक सर ने मुझे स्केड्यूल बना के दिया पूरा, 1 वीक आपको ये करना है। तो सर उसके बाद मैंने बेसिक बुक लगाई, फिर सेल्फ स्कोरर लगाई, और फिर सर मेरे को RD ऑब्जेक्टिव लगाते हुए इतनी खुशी हो रही थी ना कि उसका सवाल पहले बार में तो हो नहीं रहा था, लेकिन जब मैंने दूसरी बार वो लगाई तो मैं सवाल सोच पा रहा था, और हर एक सवाल का मतलब मैं ये सोचता हूँ इंटीग्रेशन मुझे आ गया ना तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस आ गया सर। तो भोपाल मतलब आपकी एक बात मुझे हमेशा याद रहती है कि मैं जाने लगा तो मैं एक बार पैसों को सोच रहा था भोपाल जाने से पहले कि उतना लगाना ठीक रहेगा या नहीं, लेकिन अगर मैं वो नहीं लगाता ना तो वो सेविंग से ज्यादा मुझे अभी कहीं लॉस हो जाता बहुत बड़ा। मैं मतलब हम सोच रहे थे, हम कंफ्यूज थे कि हम 3 फ्रेंड्स थे एक्चुअली, हम यहाँ से 3 फ्रेंड्स गए थे, तो हम कंफ्यूज थे भोपाल जाएं ना जाएं। लेकिन जब 28th मई, मुझे याद है आपने येलो कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी, और जब हम 28 मई को भोपाल आए तो आपसे बात करके सब कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि अब तो बस यही आना है, इससे अच्छा और कोई इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता कि बस NIMCET क्लियर कराए बस किसी तरीके से। फिर हम उधर 3-4 तारीख को 3-4 जून में ही ज्वाइन कर लिया था, और उधर तक सही था, लेकिन जब इधर घर पे आए थोड़ा तो डिस्टर्ब ज्यादा हो गया था। जब घर पे आए, इसमें बीच में ही आए थे, कैब से आपने सर बुक कराया था उधर से आने के लिए, तो उधर इधर थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, वरना उधर सब सही चल रहा था, बिल्कुल एक नंबर।
कोविड के वजह से कई चीजें ऐसी हुई हैं, पर देखो आपने कितनी एक अच्छी बात बोली कि इंटीग्रल से डर लगता था और इंटीग्रल आने के बाद एक कॉन्फिडेंस आ गया। हमेशा मैं हर एक बच्चे को, आपने मेरा सुना स्टेटमेंट कि जो हमारा डर है ना, अगर हम उससे जीत गए तो जीवन में कभी कोई चीज हमें परेशान नहीं कर सकती। और वो जो सबसे बड़ा इंटीग्रल का डर था, मैं बोल सकता हूँ आज तुम कोई भी इंटीग्रल का क्वेश्चन कर सकते हो, क्यों? क्योंकि उसका एक बार कंसेप्ट बन गया, मैथ्स का एक बेस बन गया। बिल्कुल सर। सर मैंने एक चीज और सीखी कि जो ये कंपटीशन एग्जाम होते हैं ना, ये सिर्फ आपकी नॉलेज चेक नहीं करते हैं, इस टाइम आपका सब चीज चेक हो जाता है, आपकी लर्निंग कैपेसिटी कैसी है, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी कैसी है और आपका पेशेंस कैसा है। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज बिगड़ी तो आपका पेपर बिगड़ जाएगा। इन तीनों चीजों पर ध्यान देके बिल्कुल, कई बार पेशेंस से भी बच्चे पेपर बिगाड़ देते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा घबराहट हो ही जाती है सर। तो अगर हर पेपर को अच्छे से रियल एक्चुअल पेपर मान के देंगे तो शायद सही रहेगा पेपर। तो शुरू से इन तीन चीजों पे अगर बच्चे ध्यान देंगे तो शायद अच्छा होगा उनके साथ। बिल्कुल सही बात बोली अभिषेक कि क्या होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपके हर स्किल को चेक कर लेता है, जो सब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं होता। आपको सब आता है पर अगर आप में पेशेंस नहीं है, आप में सिलेक्शन का तरीका नहीं है, आपकी लर्निंग बहुत फास्ट नहीं है, क्या आप करते हो, यानी आपका पूरा ओवरऑल जो लाइफ है ना, वो पूरी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में निकल के आती है कि आपने अपने आप को कैसे तैयार किया। मैथ्स के क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर लेता पर किस टेक्निक से करना है, टाइम कैसे सेव करना है, ये सब चीजें जो आपने सीखी, देखो आज उसका आपको फायदा मिला। आज आप 11th 12th के बच्चों को पढ़ा रहे हो, सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई। जो एक जब कभी सोचा नहीं था, सोचो आज आप पढ़ा रहे हो तो कितना मजा आता होगा आपको। बिल्कुल सर, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, मतलब अब तो बस बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल का कॉन्फिडेंस है कि अब तो सब हो जाएगा, मतलब कुछ मुश्किल नहीं होता। अगर मैं इंटीग्रेशन सीख सकता हूं तो सब हो जाएगा। बिल्कुल सही बात बोली कि अगर हम अब देखो, अब आपके अंदर डर क्यों निकल गया, क्योंकि आपने जो चीज नहीं आती थी वो सीख ली। तो मैं हर बच्चे को जो ये सेशन सुन रहा है, मैं एक ही बात बोलूंगा कि कभी डरो मत। और ये कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, बिल्कुल सही है। जहां आपका डर खत्म हुआ आप जीत जाओगे, वही आपके साथ हुआ। एक सर क्वेश्चन सिलेक्शन भी, मतलब हम जब जाते हैं थ्योरेटिकल पढ़ाई से उठ के उधर कंपटीशन की तैयारी करने, तो हमें एक एक क्वेश्चन है ना दुश्मन की तरह दिखता है, मतलब इसको तो करना ही है, उस पर बैठे ही रहते हैं। पर एक स्किप करना भी आपने बहुत अच्छा, मतलब कि चूज करना कि बेस्ट क्वेश्चन कौन से हैं, जिसको हम पेपर में फर्स्ट स्क्रीन में कौन कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, वो चीजें बहुत अच्छे से सीखी है मैंने उधर जाके। चलो ये बहुत अच्छी बात है अभिषेक। और आप इसी तरह से अभी, अब आपकी क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है और सेमिस्टर वन तो अब शायद आपका ऑनलाइन ही होने वाला है पूरा, कब कॉलेज ओपन होगा वो नहीं पता है। तो आप अच्छे से मैनेट में सेमिस्टर वन की भी प्रिपरेशन करो और बच्चों को पढ़ाओ। और क्योंकि आपने जो लर्न किया ना, अब आप जिसको भी पढ़ाओगे मैं बिल्कुल श्योर हूं कि वो इतना सीखेगा, क्योंकि वो चीज जो आपने खुद सीख ली कि नहीं आते हुए भी मैं कर सकता हूं, तो अब आपके बच्चे भी ऐसे ही करेंगे। तो ऐसे ही आगे बढ़ो, जीवन में खुश रहो और बच्चों को मोटिवेट भी करो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। आप कुछ अपनी तरफ से मैसेज देना चाहोगे जो ये बच्चे सेशन सुन रहे हैं? अगर आप लोग अभी भी कंफ्यूजन में हो कि जाएं या ना जाएं, तो मेरी सलाह से अगर आप दोनों ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो तो इम्पिटस जाके ही अपनी तैयारी करो। उधर जो माहौल बनता है, मतलब जैसी गलती बहुत हो जाती है, मुझसे भी हुई, कि इधर रह के उतना माहौल नहीं बन पाता, एनवायरमेंट नहीं बन पाता है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। उधर जाके अगर तुम बैठोगे तो शुरू के एक महीने तो मुझे भी दिक्कत हुई थी उधर जाके, मेरे थोड़ा बैक पेन रहता था सर, तो मैं जाके उधर सो जाता था पीछे बेंच पे जाके। एक महीना मैं सोया तो सब बच्चे मुझे जानते थे, अच्छा तुम वही हो ना जो सोते हो उस नाम से ही फेमस हो गया था। फिर मैंने अपनी हैबिट सुधारी और फिर रात में 8-9 बजे जाने का भी मन नहीं करता था, इस तरीके से हम पढ़ते थे। तो उधर जाके इतना माहौल बनता है ना कि तुम्हें उस पढ़ाई में मजा आने लगेगा। घर पे भी करते हैं बच्चे, लेकिन अगर तुम्हें 1% भी लगता है ना कि हम घर पे नहीं कर पाएंगे या कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी, तो तुम्हें जाना ही बेहतर है। बिल्कुल सही बात है, पढ़ाई घर पे भी की जा सकती है। बिल्कुल सही बात बोले अभिषेक कि घर पे भी कर सकते हैं आके भी, पर अगर घर पे डिसिप्लिन नहीं हो रहा है तो हमें डिसीजन लेना आना चाहिए समय रहते हुए। चलो अभिषेक, बहुत मजा आया आपसे बात करके। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू बेटा।